नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल भरत भाई डी में और हमारे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने टर्बो स्पीड, टर्बो कार, टर्बो इंजन, इन सब के बारे में तो हमने बहुत सुना ही है, लेकिन क्या आपने कभी टर्बो खाने के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये टर्बो खाने की चीज़ थोड़ी सी नए तरह का फूड है। लेकिन एक्चुअली हमारे हम फूड नहीं लेके आए हैं आपके लिए, टर्बो नाम की एक नई चॉकलेट आई है मार्केट में, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं टर्बो, जो कि आपकी बनाई जाती है भाई द कैमको लिमिटेड के थ्रू। और ये जो कंपनी है द कैमको, वो आपकी एक इंडियन कंपनी ही है, ठीक है? तो मेड इन इंडिया है ये चॉकलेट, ठीक है? तो चलिए आज हम इसे ट्राई करेंगे, और आप में से काफ़ी लोगों ने जिन्होंने पहले नहीं भी खाया है तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, क्योंकि हम आज इसके बारे में पूरी जानकारी आपको, पूरी तो नहीं जितनी हमें मिली है उसके हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर तक देखिएगा, ओके गाइस। और ये जो भी मेरे पास है पैकेट, जिसका प्राइस है ₹5 ओनली, तो ₹5 में एक टर्बो बार मेरे पास अभी आया हुआ है। और अगर हम बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो वो है लिक्विड ग्लूकोज, शुगर, फिर इसमें आपका आता है हाइड्रोलाइज्ड मिल्क प्रोटीन, उसके बाद इसमें आता है आपका हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट ऑयल, फिर इसमें रहता है आपका सेंटर में नोगट, और साथ में इसमें रहता है आपका सॉल्ट और इमल्सीफायर। तो ये तो आपके सेंटर में रहता है, पर इसके जो कोटिंग रहता है, इसमें जो कोटिंग किया गया है वो है उसमें आपका है पॉलीग्रिसिनॉल और पॉलीरेक्सिनॉल, साथ में इसमें आपका रहता है शुगर, फिर आपका इमल्सीफायर, मिल्क सॉलिड्स, कोका सॉलिड्स, फिर आपका एडिबल वेजिटेबल ऑयल, फिर आपका सोयालेथिकिन। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती है, और इसके सेंटर में भी आपका सोयालेथिकिन, फिर आपका मिल्क सॉलिड्स, ये सब भी आपका रहता है। तो गाइस, ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं और ये इसको हम टेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। और दोस्तों, साथ में मैं ये भी बता दूँ, ये जो है ये आपका एक वेज फूड है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वेज फूड प्रोडक्ट है। तो गाइस, ये आपका कुछ इस तरीके का है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो हालांकि जब मैं इसे ला रहा था तब ये थोड़ा सा दब गया था, तो इसीलिए देखिए इसके साइड में थोड़ा सा नोकट आपको बाहर में दिख रहा है। खैर, अभी हम इसे तोड़ के देखते हैं कि कैसा है। तो ये देखिए, ये आपका तोड़ा मैंने, तो पूरा मस्त नोगट से भरा हुआ और सेंटर में चॉकलेट से भरा हुआ मस्त आपका। और ये जो कोटेड जैसा दिख रहा है, तो हमने जैसे जो इंग्रेडिएंट्स बताया था, तो जैसे ग्लेजिंग के लिए ग्लेशियर, पॉली ग्लेशियर, सब सब आपका कोटिंग में डाला हुआ, थोड़ा सा शाइनी सरफेस आपको दिख रहा होगा, तो उसके लिए डाला गया है। तो ये आपका चॉकलेट, ओके। और चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं। तो हालांकि इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब जैसे वैनिला और मिल्क जो फ्लेवर रहता है तो वो तो अच्छा ही आ रहा है, साथ में नोगट का भी एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, मैं नोगट ही खा रहा हूँ। तो टेस्ट के मामले में अगर मैं बात करूँ तो हाँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। मैं इसे टेस्ट में अबाउट 100 में से 90% दूँगा, तो मुझे ये बाहर तो काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट में। और अगर हम चॉकलेट की बात करूँ तो दोस्तों, चॉकलेट भी काफ़ी अच्छा है, ओके। तो इसमें अगर मैं ऑल अराउंड चॉकलेट में परसेंटेज की बात करूँ तो अबाउट 95% काफ़ी अच्छा चॉकलेट है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि हाँ, आप भी इसे ट्राई कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, और मैं अभी करता हूँ इसको एंजॉय। और दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो ऑन टर्बो, लेकिन टर्बो की बात करें तो मुझे उतना स्पीड तो लगा नहीं इसको खाने के बाद, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है।
तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और हमारा आज का ये वीडियो यहीं तक का था, ठीक है। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो जल्दी से इसे कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे चैनल को जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, और हमारे वीडियो को कर दीजिएगा शेयर भी। साथ में इस प्रोडक्ट के लिए भी एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों मैं जब तक इसे एंजॉय करता हूँ हमारी अगली वीडियो तक के अपने चॉकलेट को, तब तक आप भी हमारे और भी वीडियोज़ देखिए जो कि आपके सामने ये रहे। और अब हम चलते हैं हमारे अगली वीडियो की तरफ, जिसमें हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ही। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।